तो गाइज आज हम बात करेंगे कि मैंने कौन सी कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन लगवाया हुआ है और मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, आपको लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो गाइज मैंने जो इंटरनेट लगवाया हुआ है, ये मैंने लगवाया हुआ है टिम्बल कंपनी का। टिम्बल एक प्राइवेट कंपनी है जो कि गुड़गांव में लोकेटेड है और इस कंपनी का मैंने इंटरनेट लगवाया हुआ है। आप देख सकते हैं राउटर आपको दिख रहा होगा, वो लगा हुआ है राउटर। तो उसके बारे में बात करेंगे, कैसी इसकी स्पीड है, क्या क्या इसका फीडबैक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो गाइस ये मैंने लगवाया था करीब 2 महीने पहले, तो जब इसकी स्पीड जो थी काफ़ी अच्छी थी और अभी भी थोड़ी नॉर्मल स्पीड आ रही है बाकी। तो गाइस मैंने जो इसमें प्लान ले रखा है वो ले रखा है 499 पर मंथ वाला, जिसमें एक्स्ट्रा 18% GST भी लगती है, जिसके बाद ये हो जाता है करीब 589 पर मंथ का। तो गाइस इसकी स्पीड जब मैंने स्टार्टिंग में जब चेक करी थी तो मेरे पास आती थी 40 Mbps per second, और अब मैं करंटली देख लेता हूँ कि इसकी कितनी स्पीड आती है। तो गाइस सबसे पहले तो देखो आप इसको, इस तरीके से कंपनी एक राउटर देती है जो एक 4 band वाईफाई राउटर है, आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, और उसके साथ ये कुछ इस तरीके की वायर लगी होती है जो केबल के थ्रू हमारे घर में आई हुई होती है इस तरीके से, इस ये देख सकते हैं। और इसमें ये आपके लेन की केबल भी देते हैं जो हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जाके इंसर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से इसके साथ कुछ मुझे राउटर देखने को मिलता है। गाइस आप देख सकते हैं ये एक 5G बैंड है और इसमें 12 band है, इसलिए इसमें 2.4G और 5G दोनों आपकी जो लाइट है वो ब्लिंक हो रही है। आप देख सकते हैं 12 band होने का ये फ़ायदा है कि इसमें आपको 2 band मिलते हैं। तो गाइस अब इसकी स्पीड देख लेते हैं कि इसकी स्पीड करंटली अब क्या आ रही है। जब मैंने लगवाया था जब तो इसकी 40 Mbps करीब स्पीड आती थी, अब देख लेते हैं कि करंटली इसकी क्या स्पीड आती है। गाइस मैंने ये ब्राउज़र ऑन कर लिया है, अब इस पर हम अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक करेंगे कि क्या स्पीड आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टिम्बल लिखा हुआ रहा है, तो ये टिम्बल का ब्रॉडबैंड है और ये हमारी लोकेशन आ रही है, ठीक है। अब इसको हम ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या स्पीड आती है। यहाँ पर ये शो करेगा कि क्या इसकी पिंग आ रही है, क्या डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है, अपलोड स्पीड क्या हो रही है। अब देखिए अभी चेक हो रहा है कि एक्चुअल में क्या स्पीड है इस वाईफाई की। आप देख सकते हैं इसकी डाउनलोड स्पीड है 44.11 Mbps per second और अपलोड स्पीड है 49.07 Mbps per second। तो गाइज आप देख चुके हैं कि इसकी अब क्या स्पीड आ रही है। बाकी टिम्बल का इंटरनेट ठीक है, बाकी मैं कहना चाहूँगा कि इनकी थोड़ी सर्विस अच्छी नहीं है। आपके पास जब स्टार्टिंग में ये लगवाते हैं तो इनके जो एग्जीक्यूटिव आते हैं वो आपके घर पर इंस्टॉल करके जाते हैं, उसके बाद से आप उनको फ़ोन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इनका एक टोल फ्री नंबर इनकी साइट पर दिया होता है, आप उस पर सिर्फ कॉल करके और IVR वहाँ से आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देता है और बस आप किसी एग्जीक्यूटिव से बात नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा इसके कॉन्स हैं, बाकी अगर आपको इसको लगवाना है तो आप इनकी साइट पर जा करके वहाँ पर आप अपनी रिक्वेस्ट को प्लेस कर सकते हैं, वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि आपको कहाँ पे लगवाना है, उस तरीके से आपको इनका जो भी एग्जीक्यूटिव है आपको गाइड करेगा। उसके बाद में आपके घर पर आकर 1-2 दिन में इंस्टॉल करके चले जाएंगे। और इसको स्टार्टिंग में आपको इंस्टॉलिंग जो चार्ज होता है वो 750 rupees करीब ये लेते हैं आपसे, जिसको कहते हैं कि वायर चार्ज है और भी कोई बताते हैं। बाकी जो भी आप राउटर या तो आप अपना ला सकते हैं या फिर इनका भी ले सकते हैं, इसके 2000 rupees चार्ज करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के बाय, थैंक यू सो मच।